और अब बात मुस्लिम महिलाओं की, जिन पर एक बार फिर से दारुल उलूम देवबंद ने एक ऐसा बेतुका फतवा जारी किया है जिसने एक बार फिर फतवों पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल फतवे में कहा गया है कि औरतें छिपाने की चीज होती हैं और उसे तंग कपड़े पहनकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के हक पर मुल्लों ने मारी चोट, देवबंदी दकियानूसों का शैतानी फतवा। और खुली आंखों का जो ढांटा बांधती हैं मस्तूरात लेडीज, ये बिल्कुल, और उनकी आंखों का सिंगार जो है इस तरह का होता है जो मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। देवबंदी कठपुतलों ने पहले जबान से खूबसूरती माप ली, फिर हिजाब से लेकर शुरमे तक की व्याख्या कर दी। सोचिए कितनी गहराई से पढ़ा था इन मौलानाओं ने मुस्लिम स्त्री के बदन को, और आंखों के नूर को नूरानी ठंडक पहुंचाकर फतवा जारी कर दिया। क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी, कितना पहनेंगी, लिबास की लंबाई कितनी होगी, कुरान का फीता निकाला और फतवे में लिख डाला। देवबंद का ये नया फतवा है, देवबंद से आया दारुल उलूम का ये नया फतवा है। महिलाएं न टाइट जींस पहनेंगी, न उनके बदन पर ढीले कपड़े चलेंगे, कपड़ों में चमक भी नहीं चाहिए। महिलाओं को दकियानूसी चहारदीवारी में कैद कर सीना चौड़ा कर रहे हैं मौलवी साहब। दोनों के दोनों गुनहगार हैं, दोनों को इसकी सजा मिलेगी कयामत के दिन। तो दारुल उलूम ने जो फतवा दिया है बिल्कुल जायज दिया है और हम उसकी पुरजोर लफ्जों में तायद करते हैं। कुरान का हवाला देकर ना जाने कितने कलंक के किस्से लिखे जाते रहे। कुरान का हवाला देकर एक से ज्यादा शादी मंजूर है, उसी कुरान का हवाला देकर झटके में हम सफर बदलना मंजूर है, उसी कुरान का हवाला देकर हजारों महिलाओं की जिंदगी दुखद बनाना मंजूर है। खाने पीने रहने जीने, महिलाओं की जिंदगी फतवे के गुलाम हो गई। कुरान के नाम पर इन मौलवियों ने जैसे चाहा मुस्लिम महिलाओं को वैसे नचाया, वही पहनने पर मजबूर किया जो वो चाहते थे, और आज भी उस सिलसिले पर इन्हें शर्म नहीं आ रही। पहले बुरके जो चलते थे वो टोपी वाले बुरके होते थे जिससे औरतों के तमाम आजा और जवारी पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से ढक जाया करते थे। आजकल ये जिस तरह के बुरके यहाँ पहले चलते थे, गुजरात साइड में चलते हैं, आजकल गुजरात में बहुत माहौल है पर्दे का माशाल्लाह मुसलमान औरतों में, और वो टोपी का बुरका पहनती हैं। कठमुल्लों के शब्दों में स्त्रियों को घूरने वाला शैतान कहलाता है, फिर महिलाओं पर पाबंदी थोपने वाला क्या आंखें बंद कर हिजाब लिबास और जींस के पैमाने को माप लेते हैं। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।